बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अकील और आप देख रहे हैं परफेक्ट एम्बेसडर ऑफिशियल चैनल, क्योंकि परफेक्ट ही बनाएगा आपके रेफ्रिजरेटर को लाइफ टाइम परफेक्ट। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो में आपको डेनफॉस कंप्रेसर के मॉडल्स के बारे में बताने वाला हूँ और इसको कितने किस्म की रिले लगाई जाती हैं, कौन कौन से कैपेसिटर लगाए जाते हैं और इसके कनेक्शन कैसे करने हैं, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमारे पास डेनफॉस का कंप्रेसर मौजूद है जो कि ये टीएल मॉडल है और इसमें तीन मॉडल्स और हैं, एनएल, एफआर और सीएस। सीएस मॉडल को हम कश्ती मॉडल भी कहते हैं और इन चारों मॉडल के साथ तीन किस्म के रिले लगाई जाती हैं जो कि हमारे पास मौजूद हैं और तीनों ही अलग हैं और इसके साथ दो किस्म के कैपेसिटर लगाए जाते हैं और इन रिले के कनेक्शन कैसे करने हैं ये मैं अभी आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ। गाइस, ये आप देख सकते हैं हमारे पास दो पीडीसी इलेक्ट्रॉनिक रिले मौजूद हैं और दोनों ही दिखने में सेम नजर आ रही हैं, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि एक को हम कैपेसिटर लगा सकते हैं और एक को हम कैपेसिटर नहीं लगा सकते। और जिसको हम कैपेसिटर लगा सकते हैं ये आप देख सकते हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट मौजूद है और जिसको हम नहीं कैपेसिटर लगा सकते उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। तो गाइस, आपने ध्यान रखना है कि इसको सिर्फ रनिंग कैपेसिटर लगाना है, रनिंग कैपेसिटर के अलावा इसको कोई कैपेसिटर नहीं लगाया जा सकता। तो गाइस, हमारे पास ये रनिंग कैपेसिटर मौजूद है और ये कंप्रेसर के साथ लगाने का मकसद ये होता है कि कंप्रेसर के एम्पेयरों को कम किया जा सके ताकि बिजली की बचत हो सके। तो गाइस, इसी के साथ हमारे पास एक रिले और मौजूद है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये रिले इन दोनों रिले से मुख्तलिफ है और इनके आपको पॉइंट्स कम नजर आ रहे होंगे और इनके पॉइंट्स ज्यादा नजर आ रहे होंगे। तो गाइस, इनमें फर्क सिर्फ ये है कि इसका जो सिंगल पॉइंट है और ये रिले के ये भी सिंगल पॉइंट ही बनता है, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, ये दोनों एक पॉइंट बनता है सिंगल। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये दो पॉइंट हैं, ये दोनों पॉइंट कैपेसिटर लगाने के लिए होते हैं, ये दोनों पॉइंट पर कैपेसिटर लगता है। तो गाइस, इस रिले के साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाना होता है जो कि स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम है जस्ट कंप्रेसर को स्टार्ट देना, और स्टार्ट देने के बाद ये कैपेसिटर फ्री होता है, इसका कोई काम नहीं होता। चलिए गाइस, अब हम आपको इन रिले के कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम इस रिले के कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। ये हम कंप्रेसर के साथ इसको लगा लिया, अब इसमें दो कनेक्शन ऐसे हैं जो कि कंप्रेसर को स्टार्ट देते हैं। तो वो दो कनेक्शन ये हैं, एक बाईं तरफ ये और एक इसके सबसे नीचे, ये दो मेन सप्लाई वाले पॉइंट हैं। जैसा कि हमने ये इसके ऊपर ये दो वायरें लगा ली हैं जो कि कंप्रेसर को स्टार्ट देने का काम करती हैं, अब दो पॉइंट जो इसके बचे हैं इसके ऊपर हमने लगाना है कैपेसिटर। तो गाइस, इस कैपेसिटर को हम लगाएंगे तो ये कंप्रेसर को स्टार्ट देगा, अगर हम इसके साथ कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तो ये कंप्रेसर को स्टार्ट नहीं देगा। तो गाइस, इसी तरह से आपने इस रिले के कनेक्शन करने हैं, ये दो वायर होगी मेन कनेक्शन और ये दो वायर कैपेसिटर के। तो गाइस, अब हम आपको ये रिले कंप्रेसर के साथ लगा के दिखाते हैं जिसके साथ कैपेसिटर नहीं लगेगा। तो गाइस, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इस रिले के साथ ये इसका पॉइंट नहीं है, स्टार्टिंग का पॉइंट इसके साथ होगा तो इसके साथ रनिंग कैपेसिटर लगेगा, अगर इसका ये पॉइंट नहीं तो इसके साथ आप कैपेसिटर नहीं लगा सकते। तो इस रिले को आपने ऐसे लगाना है, तो इसके जो कंप्रेसर को स्टार्ट देने के लिए जो दो मेन पॉइंट है, एक सबसे इसके नीचे है कॉमन पॉइंट, और इसके जो लेफ्ट साइड पर ये जो आपको पॉइंट नजर आ रहे हैं ये रनिंग पॉइंट होते हैं, और ये रनिंग पॉइंट आप यहाँ पर लगा लें या यहाँ पर लगा ले, एक ही बात है, ये दोनों तरह से कंप्रेसर को स्टार्ट दे देगी। तो हम यहाँ पर इसको लगाते हैं, तो इसी तरह से आपने ये दो वायर लगानी है पावर सप्लाई की, तो कंप्रेसर आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस, अब हम वो रिले आपको कंप्रेसर के साथ लगा के दिखाते हैं जिसके साथ रनिंग कैपेसिटर आप लगा सकते हैं। तो गाइस, इस तरह से आपने इस रिले को भी कंप्रेसर के साथ लगानी है, तो इसको आपने सबसे पहले जो मेन सप्लाई देनी है इस तो को भी वैसे ही मेन सप्लाई सबसे नीचे कॉमन पॉइंट पे और उसके ऊपर एन रनिंग पॉइंट पे, तो इस तरह से आपका कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने इसके साथ रनिंग कैपेसिटर लगाना है, उसकी एक वायर रनिंग कैपेसिटर की यहाँ पर लगा देनी है स्टार्टिंग पॉइंट पे, और एक आपने इसकी रनिंग पॉइंट पे वायर लगानी है। ये जो वायर है ये आप यहाँ पर लगा दें या यहाँ पर लगा दें एक ही बात है, यहाँ पर आपने लगा देनी है तो आपका रनिंग कैपेसिटर भी कंप्रेसर के साथ स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस, आपने इस बात का ख्याल रखना कि
जो कैपेसिटर का पॉइंट है यहाँ से नीचे नहीं लगाना। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप लोग यहाँ से उतार के इसका पॉइंट नीचे लगा देते हैं, तो होता क्या है आपका जो कैपेसिटर है वो कंप्रेसर के साथ डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो ये काम नहीं करता। तो आपने इस बात का ख्याल रखना कि इस पॉइंट को ऊपर ही लगाना है। तो गाइस ये थे वो डेनफास्ट कंप्रेसर के रिले के कनेक्शन, और इसके साथ कैपेसिटर कैसे लगाना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद अकील को इजाज़त। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।